शिव को दूध की धारा से कामना पूर्ति के लिए दुग्ध धार उसके ऊपर चढ़ाते हुए मनुष्यवाय मंत्र का जप किया जाता है, जिससे मन की इच्छा पूरी होती है। आरोग्यता प्राप्ति के लिए जल की धार, वैभव प्राप्ति के लिए विजया या भांग रोक करके उसकी धारा चढ़ाई जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग पूजा अर्चना स्तुति संकट की कही गई है, मगर शिव भक्त को विजया जरूर पीनी चाहिए, क्योंकि जब तक भांग पिएंगे नहीं तब तक वो शंकर बनता नहीं, और बस स्वयं शिव बने इसके लिए उस विजया को अपने हृदय में स्थापित करनी आवश्यक मानी गई, मगर उतनी ही पिए जिससे कि आपको खुद का एहसास होता रहे, ज्ञान रहे। ऐसा नहीं कि आप पीकर के स्वयं शिव में बन जाएं। यहाँ पर पिछली होली में, इस होली की तो बात नहीं है, पिछली होली में घर के जो सारे वो गण हैं उन गणों में भांग घोट करके पी ली, पानी जी इसमें शामिल उसके गण से अब पी ली तो पीते ही तो भगवान शिव बन गए सभी। अब उसमें एक गण, उसका नाम तो मैं उल्लेख नहीं करूंगा, एक गण तो बिल्कुल कैलाशी बन गया। हमने कहा तो वो क्या कर रहा है खाना, क्योंकि उसने भोजन वोजन बनाया था, होली का भी खा था। हमने कहा तू खाना खा, मेरे पैर नहीं है, पैर नहीं है, मेरे पैर नहीं है, कैसे उठू मेरे पैर नहीं है। मैंने कहा तुम कोई बात नहीं, पैर नहीं है तो तुम भोजन तो कर ले, ऊपर छत पर उसको उठाया जैसे गर्मी उसको नहीं लगे, ये कोशिश की। तो मैंने कहा तुम भोजन कर लो, कोशिश करते जो है। मैंने कहा भोजन करना, बस वो सीधा कॉल उठाया यहाँ से पलंग पर बैठा बैठा ही, सामने कुछ नहीं। मुझे चिंता ये हुई थी अगर कैलाशवासी हो गया तो मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा कि आपने। तो मैंने कहा कि भाई तो तबीयत वबीयत तो ठीक है और तू तो तकलीफ तो नहीं है, एक अक्षरा आ रही है, दूसरी अक्षरा, तीसरी अक्षरा, अब दूसरी चौथी, तुम भी आ जा पांचवी, और बैठा बैठा 52 अक्षराओं को चिट्ठी कर दी। और मैंने कहा मेरे घर में तुम 52 इक्की करेगा तो जरूर होगी, अब एक चली गई, अब दूसरी जा रही है, अब तीसरी जा रही है, बैठे बैठे 52 की वापस दी। मैंने उसको अष्टगिरी नमस्कार करके प्रणाम करके सारी बात न तो मैं सो सका न पत्नी सो सका, ये चिंता में कि सभी वापिस गण सुबह वापिस ठीक ठाक रहे तो अच्छा है, मगर ऐसा आनंद जिंदगी में कभी कभी ले लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आप स्वयं शिव होते हैं, चाहे तो कैलाश पर्वत को यहाँ ला सकते हैं, चाहे तो आप अप्सराओं को इकट्ठी कर सकते हैं, नचा सकते हैं, देख सकते हैं, न किसी की आपको परवाह, चाहे गुरु खड़े हों चाहे भगवान स्वयं खड़े हों।
अब दूसरी इसको कहा तो अच्छा छुट्टी कर रहा था कि मैं भी जब करो मेरे का एक एक नहीं बावन बावन तो ये भगवान शिव की बूटी है और कहा गया कि शिव को प्राप्त करने के लिए इसको जरूर थोड़ी बहुत सेवन करनी चाहिए मगर उतनी सेवन करनी चाहिए जिससे कि आप अपने नियंत्रण में रह सकें क्योंकि इसके लिए विजयन धनु कपटिनो विशल्यो बाणवा उपरामी संयुक्तजा लिखव आबुरशन गरी तो विजया विजयन धनु जो विजया को प्राप्त करता है वही सही अर्थों में शिव भक्त हो सकता है। ये साधु लोग कहते हैं जिसने नबी भांग की कली उस लड़के से लड़की बनी पी में पी निकल जाएगा जी तो कौन कहेगा पी इसलिए पीना जरूर चाहिए और नहीं तो उस लड़के से तो लड़की बनी यह तो हुई मगर इस मृत्युंजय साधना की उसने भांग को घोट करके उसको छान करके उसकी इस पर जल बाहर चढ़ाई जाती है इसलिए मैंने इस विद्या के बारे में समझाया है मगर उसकी भी एक टेक्निक है क्योंकि अगर आपको टेक्निक ज्ञान नहीं है तो आप भांग को तैयार नहीं कर सकते भांग को कच्ची जो भांग मिलती है बाजार में और पूरे भारतवर्ष में मिलती है इसको पहले तांबे के लोटे में उबाला जाता है क्योंकि तांबे के लोटे में उसमें तांबे के वजह से उसमें और नफा ज्यादा हो जाता है मगर इतना उबालना चाहिए कि वो जले नहीं और कच्ची नहीं रह जाए जब कोई सुगंध आने लग जाए तो समझना चाहिए कि भांग पक गई फिर इसको बाहर कपड़े पर लेकर के साफ पानी से थोड़ा धोकर के उसकी प्रत्येक पत्ती को देख लेना चाहिए उसमें कचरा वचरा नहीं फिर तीन चार पानी से उसको धोकर के फिर सिला पर रख करके उसको भूख घोटनी चाहिए घोटने पर वह लुगदी की तरह बन जाएगी फिर उसमें आप काली मिर्च के आठ दस दाने 15-20 दाने डाल करके उसको भी साथ में पीस लेना चाहिए और फिर उसको कपड़े में छान लेना चाहिए छानने के बाद आप इसमें दूध मिला करके भी पी सकते हैं उसको दूध या भांग करते हैं कुछ लोग दही मिला करके भी इसका सेवन करते हैं और कई प्रकार से इसका बादाम पिस्ते इसमें डाल करके केसर डाल करके घोट करके उस भांग का सेवन किया जाता है जब आप उसी साधना समझाएं तो भांग कैसे तैयार करनी चाहिए इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए।